ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों जन्माष्टमी 2024 आखिर सही तारीख क्या है, ना होइएगा कंफ्यूज, जानिए सही तारीख कब जन्म लेंगे भगवान श्री कृष्ण, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत का पारण कब करेंगे, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और भोग में क्या लगाएंगे, इसके उपाय क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी देंगे। जन्माष्टमी का त्यौहार बस आने वाला है। जी हाँ, इस बार 26 और 27 दो दिन तक जन्माष्टमी मनेगी। 26 और 27 तारीख में महिलाएं कब व्रत रखेंगी, व्रत का पारण कब करना है, ये सब कुछ जानेंगे। सही जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन प्रभु श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है। तो भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री कृष्ण का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यानी कि भादो महीना आ गया, यानी कृष्ण जी के बर्थडे वाला दिन आ गया है। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग से कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। मध्य रात्रि 12 बजे देर रात कृष्ण जी का जन्म हुआ था और इस साल जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज है। कोई 26 अगस्त को मना रहा है तो कोई 27 अगस्त को मना रहा है, इसलिए आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। आइए जानते हैं आखिर जन्माष्टमी किस तिथि को मनाई जाएगी, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए पंचांग के मुताबिक भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत रखा जाता है और इसकी शुरुआत 26 तारीख को सुबह 3:39 पर हो रही है और 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। अगर आप एक महिला हैं, अगर आप एक कुंवारी युवती हैं, तो अगर आप चाहती हैं कि श्री कृष्ण जी का व्रत रखें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं, तो आप 26 अगस्त को सोमवार के दिन मनाएंगी। 26-27 के कंफ्यूजन में बिल्कुल मत पड़िएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के पूजा को जो शुभ मुहूर्त है वो 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 27 अगस्त की देर सुबह 12:44 तक रहेगा। मतलब आप 26 तारीख को पूरे दिन व्रत रहेंगे और 27 तारीख को देर रात व्रत का पारण करना है। ध्यान रहे कि सुबह 12:44 27 अगस्त तक ये शुभ मुहूर्त है, इसलिए आप इसी समय देर रात व्रत का पारण करेंगी। बाल गोपाल का करते हैं भव्य श्रृंगार। जैसे आप अपने बच्चे को सजाती हैं ठीक वैसे सजाइएगा, क्योंकि बाल स्वरूप श्री कृष्ण आपके बेटे समान होंगे, आपके भाई समान होंगे। इस दिन घरों में झांकियां सजाई जाती हैं, भजन कीर्तन गाए जाते हैं, कृष्ण भक्त व्रत कर बाल गोपाल का भव्य श्रृंगार करते हैं। रात में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में कान्हा का जन्म मनाया जाता है। देखिए जन्माष्टमी के दिन पूजा जो करनी है वो कैसे करेंगे इसे आप समझ लीजिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन में जाप कर लीजिएगा। इसके बाद स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद जिस स्थान पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित हो वहाँ साफ सफाई करिए। घर में लड्डू गोपाल होंगे, गंगा जल डालकर शुद्ध करना जरूरी है। इस स्थान को अशोक की पत्ती, फूल माला, सुगंध इत्यादि में खूब सजाइएगा। इस स्थान पर बच्चों के छोटे छोटे खिलौने लगा सकते हैं, पालना बना सकते हैं। प्रसन्न मन के साथ श्री हरि का कीर्तन करिएगा, व्रत रखिएगा। संभव हो सके तो निराहार अथवा फलाहार व्रत हो तो और बेहतर है। फिर शाम के समय भजन संध्या पूजन करिएगा। रात में भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से स्नान कराइएगा। प्रभु को मीठे पकवान, माखन इत्यादि का भोग लगाइएगा। तुलसी दल जरूर उसमें अर्पित करिएगा। अंत में जीवन में सुख शांति की कामना करते हुए श्री कृष्ण का भजन गाइएगा, आरती करिएगा, लोगों में प्रसाद का वितरण करिएगा। लेकिन जन्माष्टमी में आपको हम कुछ उपाय बताने वाले हैं जो आप जरूर आजमाइएगा। रात भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, मंडली बैठा सकते हैं, लोगों के साथ कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके सभी कष्टों का नाश होगा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। सभी प्रकार के मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान की संपूर्ण विधि से पूजा करिएगा। और आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि विशेष रूप से धन या संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो कुछ विशेष उपाय जरूर करिएगा। संतान प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण को दूध से अभिषेक करिएगा, भगवान को पंचामृत से स्नान कराइएगा। धन लाभ के लिए केसर जल से भगवान का स्नान करिए, केसर घी और चंदन उनका लेपन करिएगा और रात में जागरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिएगा। कमेंट में भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना मत भूलिएगा। जहाँ नारायण है वहीं माता लक्ष्मी है, जहाँ नारायण प्रसन्न होते हैं तो देवी लक्ष्मी जरूर कृपा बरसाती हैं। इस प्रकार की पूजन से मनुष्य को धन लाभ तो निश्चित ही होगा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं ये जान लीजिए। जन्माष्टमी के दिन व्यक्ति को पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ कपट निंदा दिखावा क्रोध लोभ इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। घर में क्लेश ना हो इस बात का ध्यान दीजिएगा। मांस मदिरा के सेवन से परहेज करिएगा, तामसिक भोजन मत करिएगा। शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक मौन धारण करके मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहिएगा। रात में भगवान का भजन करिएगा।
तो एक छोटी सी जानकारी थी जो आपके साथ मैंने शेयर की है। जन्माष्टमी की डेट मैंने आपको बता दी है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। 26 अगस्त दिन सोमवार, व्रत रखिएगा। 27 अगस्त को 12:44 देर रात, जिसे सुबह कहा जाए या अगला दिन कहा जाए, उस समय आपको व्रत का पारण करना है। क्या करना है क्या नहीं करना है ये बता दिए हैं, उपाय भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई हो। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। वीडियो को प्यार सा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।